नाजरी, जो मैंने ब्रेक से पहले बताया, क्या मैंने गलत कहा? आप ही बताएं मुझे, आज हमारी खवातीन किस जानिब को चल पड़ी? मेरी बहनें अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे यहां बताएं कि पता नहीं हमें से कितने हैं जो सालों साल से इस खतरनाक बीमारी को अपने जहनो दिमाग से बिठाए हुए कई कई घंटे सर्व कर देते हैं। आज तक कुछ मिला उनको इन सीरियलों से? कुछ हासिल हुआ? क्या दिखाया जाता है यहां? यही ना कि शोहर से कैसे लड़ा जाता है, सास और ससुर से कैसे झगड़ना चाहिए, बेटी को यह बताया जाता है कि घर वालों से छुप छुप कर कैसे अपने आशिक से मिला जाता है, बहू को सिखाया जाता है कि शोहर और सास के खिलाफ कैसी चालें चलनी चाहिए, घरेलू झगड़े, अनबन, तू तू मैं, तलाक की नौबतें, शोहर छोड़ दिया तो दूसरे को कैसे फांसा जाए, और सबसे बढ़कर नित नए नामों से त्यौहार, इसमें किसी बुद्ध की पूजा और उसका भजन, घरेलू सुकून बर्बाद, और इस दिवाजी जिंदगी तहस नहस करने के साथ साथ इस सीरियल बुद्ध परस्ती के मनाजिर भजन के आवाजों से हमसे हमारा ईमान खरोच खरोच कर निकाल रहे हैं। और हमारी बहनों को पता भी नहीं चल रहा है, बस वक्त गुजारे के नाम पर घर में बैठे बैठे बोरियत का बहाना बनाकर घर गृहस्थी को निस्तो नाबूद कर रहे हैं और धीरे धीरे ईमान से निकलते चले जा रहे हैं, और हमें इसका एहसास भी नहीं। अब तो हद हो गई, शोहर, बीवी, जवान बेटियां, बेटे, सबके सब एक साथ बैठकर फहाश को देख रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, मनमानी चल रही है। फिर जब घर से बेटी भाग जाती है या बेटी किसी आशिक के साथ फोन में बात कर रही होती है तो माँ एक तरफ गुस्से में लाल, बाप एक तरफ परेशान, भाई मुझे ये तो बताओ इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं सुन रही है? तुम ही तो थे जो बेटियों और जवान बेटियों को साथ में लेकर बच्चों को साथ बिठाकर सीरियल के फैश मनाजिर दिखा रहे थे, हया बाख्ता मनाजिर के साथ साथ इश्क मुआशे की गुफ्तगुशुनी सुना रहे थे। आप वक्त गुजारी कर रहे थे और आपकी बेटी इस मनाजिर को लेकर एक हसीन ख्वाब बुन रही थी, वो तो आसमान के तारों पर जिंदगी बसाने की सोच रही थी, मौका मिला तो आप उसने भी बगावत कर दी। अब शिकायत करने से क्या फायदा कि बेटी भाग गई, लड़का बिगड़ गया, बात नहीं सुनता, वजह तो आप ही बने। नाजिन, आज की इस तरक्यात ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इन ड्रामों में सबसे ज्यादा मरूब हमारी नौजवान नस्ल हो रही है, जबकि यही लड़कियां आगे चलकर एक खानदान की बुनियाद डालती हैं। आज खवातीन, बहू, बेटियों और बहनों का मौजू गुफ्तगू यही ड्रामे और कहानियां होकर रह गई, और जब एक जगह जमा होती हैं तो आपस में स्टोरियां सुनाना शुरू कर देती हैं। और अफसोस का मकाम यह है कि इसको इतना फैशन और मॉडर्न बनाकर पेश किया जा रहा है कि अच्छा खासा दीनदार कहलाया जाने वाला माशरा भी इसको मायूब नहीं समझता। हैरानी उस वक्त होती है कि सैकड़ों ड्रामों के नाम याद हैं, इसमें किरदार अदा करने वाली अदाकारों के नाम याद हैं, कहां आगाज हुआ, कहां खत्म, कल कहां से शुरू होने वाला है, सब पता है, मगर उन्हीं को आप गलती से सहाबियात के नाम पूछ लें, इस्लाम की तारीख, मक्का और मदीना दौर के हालात पूछ लें तो बगले झांकने लगेंगे और बेशरम और बेहया होकर ये कहेंगे कि किताब में दर्ज है, जाके खुद पढ़ लो। नाजरीन, ये है आज के हमारे हालात। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो मेरा गृहबान पकड़कर मुझसे कहें कि मैं गलत कह रहा हूं, मगर मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि आज यही हो रहा है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, सिवाय उन अहबाब के जो लोग इस फितने के शिकार न बने। मुझे उन माओं से, उन खवातीन से यहां पूछने की इजाजत दें कि अगर आप ही अपने बच्चों को लेकर इस तरह ड्रामों से लुत्फानंदोज होने के लिए बैठ जाएंगे तो फिर उनको सहाबियात के किस्से कौन सुनाएगा? खाना बनाना, खिलाना, कपड़े धोना, स्कूल और कॉलेज भिजवाने की तैयारी करना, जो मांगी उसकी ख्वाहिश को पूरा करना, क्या सिर्फ यही जिम्मेदारी है? इन बच्चे और बच्चियों को कौन बताएगा कि हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन और इस्लाम की खातिर बर्छी खाई थी, कई कई दिनों तक हाथ पैरों से बंधे अरब की तपती धूप में खड़ा करके कोड़ों से मारा गया था और इस्लाम की पहली शहीद खातून कहलाई गई थी। हजरत फातिमा का वो किस्सा कौन सुनाएगा जब वो बीमार हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ यादत के लिए पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से कहा बेटा अंदर आओ, मेरे साथ एक और भी सहाबी है, तो जवाब आया अब्बू जान पर्दा करने के लिए मेरे पास दुपट्टा नहीं है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शाल जो कंधे पर था उसको निकाला और कहा कि लो पर्दा कर लो। फिर बड़े दुख भरे अंदाज में बीमार बेटी का हाल पूछा तो पता भी है क्या जवाब मिला? अब्बू जान पहले तो भूख और फाका था, अब तो बीमारी ने भी हाथ मिला लिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहले ताइफ के पत्थर खाकर भी नहीं रोए थे, यहां बेटी के सामने दिल पिघल गया। फिर बेटी को सीने से लगाया तो आंखों से आंसू जारी थे और आंसू दाढ़ी को तर करके हजरत फातिमा के सर पर पड़ रहे थे। वहां हजरत फातिमा रो रही थी, बेटी को दिलासा दे रहे थे और फिर एक दर्द और कसक भरी आवाज उभरी और कहा, बेटा तेरे बाप का भी कुछ ऐसा ही हाल है, तीसरा दिन है पेट में कुछ नहीं गया। मेरी बहनों बताओ मुझे, जन्नत में खवातीन की सरदार जो बनेंगी उनके इस हालेजार को कौन सुनाएगा? बताइए मुझे, यूं ही टाइम पास में वक्त गुजारी करते करते इस दुनिया को छोड़ जाएंगे? अगर ऐसा है तो फिर बताइए कि आज हम कितने बेहिस हो गए हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हम जिस डगर पर चल रहे हैं वो रास्ता जाता कहाँ है आखिर को।